हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक एसआर मर्डी ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के लोगों से लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान नियमों का पालन करने और सभी से मास्क पहनकर बाहर निकलने की अपील की। डीजीपी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के 16 एक्टिव केस है। उन्होंने कहा कि पिछले कल ऊना में एक नया मामला सामने आया जो तबलीगी जमात से है। डीजीपी ने कहा कि बार बार आग्रह करने के बाद भी ये लोग सामने नहीं आ रहे हैं, जिस पर अब कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आज 15 अप्रैल हिमाचल दिवस है। 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में 16 एक्टिव केसेस है कोरोना वायरस पॉजिटिव के, और 16 पेशेंट्स अस्पताल में उपचाराधीन है। एक केस कल डिटेक्ट हुआ है, वो एक किस्म से कम्युनिटी ट्रांसमिशन से हुआ है। ये तबलीग जमात के संबंधित ऊना से हुआ है, और ऊना से ही कुल मिला के तबलीग जमात के 15 लोग संक्रमित हुए हैं। ये संक्रमण जो है हमने अपने आप डिटेक्ट किया है, जो कुटेड़ा मस्जिद के जो मौलवी के बेटा का CDR एनालिसिस किया, और जिन जिन से बात हुई उसका पता लगाया, और हमने जो GPS कोऑर्डिनेट्स का पता लगाया और पूछताछ की, और पता लगा कि 4 लोगों से संपर्क हुआ था, तो चारों लोगों का टेस्टिंग कराई। उनमें से 3 नेगेटिव आए, 1 पॉजिटिव आया। अगर ये सच्चाई पहले बता देते, पुलिस को इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़नी थी। तो इसलिए हमने FIR दर्ज किए। 2 FIR में 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन भी लगाए हैं। और ये दुख की बात है कि इतना अनुरोध करने के उपरांत, वार्निंग देने के उपरांत, इस तरह की हरकतें जो है ये बेवकूफी भी है और एक मूर्खता भी है। इसलिए मैं आइंदा उम्मीद करता हूं कि कोई कर्फ्यू का वायलेशन ना करे, अपने घर के अंदर ही रहे, क्वारंटाइन सेंटर पर ही रहे, और जो भी नियम आपके लिए बताया गया उसका पालना करें। जो क्वारंटाइन सेंटर हो, होम क्वारंटाइन हो या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो, वहां से अगर जंप करते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और इस तरह का धाराएं भी आपके ऊपर लग सकता है। और कुछ लोग कर्फ्यू पासस का वायलेशन कर रहे हैं, और कर्फ्यू का वायलेशन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मास्क भी नहीं पहन रहे। अब मास्क पहनना पब्लिक प्लेसेस में अनिवार्य है। आपके पास मास्क नहीं है तो आप होममेड मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने कांस्टेबल से लेकर ऑफिसरों को ऑथराइज किया है कि जो जो कानून का वायलेशन करते हैं या लॉकडाउन नॉर्म्स का वायलेशन करते हैं, उनका फोटोग्राफ लिया जाए, उनका वीडियो बनाया जाए, और उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाए। इसलिए आप सबको आने वाले दिनों में सतर्क रहना, और जो भी आदेश है उसको कड़ाई से पालना करना है। और हमारे नॉलेज में आया है कि कुछ लोग तिकरी पहरा अपने आप कर रहे हैं, इसमें आपस में गांव में झगड़ा होने का भी संभावना है। इसलिए तिकरी पहरा करने के पहले पुलिस को सूचित करें या पुलिस से इजाजत ले, और जो भी आपको आपके पास सूचना है वो पुलिस को दे। कोई भी आदमी कानून अपने हाथ में ना ले, और पुलिस ही कानूनी कार्रवाई करेगी। जो हमारे कॉन्स्टेबल्स सड़क पे खड़े हैं वो पुलिस ऑफिसर है, उनको कानून को लागू करने का पूरा अधिकार है। इसलिए सूचना पुलिस को ही दे रहा हूं। और एक बात और हमारे नॉलेज में आया है कि जो EMI पेमेंट का जो पोस्टपोनमेंट कराना है, तो कई फ्रॉडस्टर्स आपको फोन कॉल करते हैं, OTP मांगते हैं, ये जाल में ना फंसे। EMI अगर एक्सटेंड करना है तो आप बैंक मैनेजर को ईमेल भेज दीजिए, और वो आपको प्रोफॉर्मा भेजेंगे, उसको भर के आप बैंक को दे दीजिए। ये सही तरीका है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत सारे हो रहे हैं, इसलिए कभी भी OTP शेयर ना करें। SB अकाउंट, सेविंग्स बैंक अकाउंट में कम से कम पैसा रखें, और जो भी पेमेंट आप करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं, तो
ये लिंक का या ऑनलाइन वेब पोर्टल का पूरी जांच कर लें और पूरा प्रिकॉशन ले लें। प्रधानमंत्री जी ने सप्तपदी के लिए आप सबका सहयोग मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।